हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल SS एजुकेशन स्टडी पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पर हम आपको रचनाएं बताने वाले हैं और वही रचनाएं बताएंगे आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आज तक आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। तो ज़्यादा रचनाएं नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रचनाएं होंगी जो आपके लगातार बैक टू बैक आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आप सारी रचनाएं देख लीजिए, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके आगे आने वाले एग्जाम है। तो जल्दी से आपको बताते हैं, बहुत ही छोटा वीडियो होगा 2 से 3 मिनट का, और आपको सारी रचनाएं दिखा देंगे जो आपके एग्जाम में अभी तक 2011 से आज तक बैक टू बैक पूछी गई हैं। यही रचनाएं बार बार आती हैं। तो नंबर एक है कुटज। कुटज के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है पूस की रात, इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है, इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। संस्कृत के 4 अध्याय, इसके रचनाकार हैं दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर। 11 वर्ष का समय, इसके रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट है दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, ये जो पंक्तियाँ हैं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, कबीर दास की हैं। संत कहाँ सीकरी सौ काम, ये जो पंक्ति है ये आपकी कुंभन दास की है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगला है पुष्ट मार्ग को जहाज जाते हैं, ये जो पंक्ति है ये आपकी बिट्ठुल नाथ की है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। गोद लिए तुलसी फिरें, ये रहीम दास की है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। आचरण की सभ्यता, ये सरदार पूर सिंह की रचना है। कवितावली, ये आपकी कवितावली, दोहावती, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सारी रचनाएं किनकी हैं? आपको पता ही होगा तुलसीदास की हैं। 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अंधेर नगरी, एक कक्षा 8 में ही आप लोग पढ़ के आते हैं। जिन लोगों ने सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की होगी उन लोगों को पता है अंधेर नगरी भारतीय नरेश चंद का है। परमाल रासो, ये आपका है जागनिक का, जो परमाल रासो रचना है जागनिक की है। एक इसके बाद आती है पृथ्वीराज रासो, ये चंद्रबरदाई की है, आप लोग याद रखना, इसमें आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं आप लोगों का। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई और परमाल रासो जागनिक। अगला है मृगावती, ये कुतुबन की है। रामचरितमानस तुलसीदास की है, अवधी भाषा में है। आधे अधूरे, ये आपकी मोहन राकेश की है। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल की है। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर सुंदरकांड, फिर लंका कांड, तो आप लोग याद रखना। अगला है चिंतामणि, ये के हैं रामचंद्र शुक्ल। प्रेम सागर के हैं लल्लू लाल जी। बीजक के हैं कबीर दास जी। चंदायन के हैं मुल्ला दाऊद। इसके बाद अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नैमिषारण हैं। इदन्ननम के हैं मैत्रेयी पुष्पा। शव अजान और एक सुजान के हैं बालकृष्ण भट्ट जी। अन्या से अनन्या है प्रभा खेतान। आवारा मसीहा के हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। अगर आपको ये PDF भी चाहिए तो अभी आपको एक नंबर बताएंगे, मैसेज करना है, PDF मिल जाएगी, नहीं तो आप लोग नोट कर लेना। यामा है महादेवी वर्मा जी की। निहार निजा रसम लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की है। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की है। चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की है। स्वर्ण धूलि रामधारी सिंह दिनकर की है। पिता ज्ञान रंजन जी की है। तो ये सारी रचनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं थी। अगर आप लोग PDF चाहते हो तो 83030 37190 पर आप लोग मैसेज करना, आपको ये PDF मिल जाएगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।